चैनल कैसे हो आप सब. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आप कोई भी फंक्शन पे इस मेकअप लुक को कर सकते हैं. सो जल्दी से देखिए इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है. सो गाइज आज मैं यहाँ पे दूसरा टोनर यूज़ कर रही हूँ एंड आप मेरे फेस में कुछ नोटिस कर सकते हो. मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने चेकआउट किया है तो आप मेरे यहाँ पे टैनिंग को देख सकते हो कि कितना लाइट हो गया है. एंड यहाँ पे मैं विटामिन सी का गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही थी एंड अगेन गुड वाइब्स का मैं रोज़ हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब विंटर का सीज़न आ रहा है गाइज. आप कोई भी वेडिंग सीज़न अब अटेंड करोगे तो वो विंटर में ही होगा, इसलिए विंटर में स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है. इसलिए आप जब भी सीरम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना ताकि आपका जो मेकअप है ना काफ़ी अच्छे देर तक रहे और ब्रेक ना आए, केकी ना लगे. यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट का, बायोटेक का है. आप अपने पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो एंड अगेन मॉइस्चराइजर भी थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना एंड मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत करिएगा इस, बस हल्का सा अपने फेस पे मिला लेना. एंड डायरेक्ट आप फाउंडेशन अगर अप्लाई करते हो ना आपका बहुत ज़्यादा फेस ना केकी हो जाएगा. इसलिए हमेशा स्किन केयर के बाद ही आप ना कोई भी फाउंडेशन या सी सी बी बी क्रीम आप अप्लाई करो ताकि स्किन को कोई डैमेज ना करे. एंड यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो एन वाई बे का है, काफ़ी एफोर्डेबल कंसीलर है एंड इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से एकदम ब्लेंड कर ले रही हूँ. एज यू कैन सी आप भी इस तरह से करो, बहुत अच्छा इसका कवरेज है गाइस. एंड यहाँ पे मैं लूज पाउडर से अपने आईज़ को सेट कर ली हूँ क्योंकि पहले हम आई शेडो लगाने वाले हैं गाइस. सो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बिगनर पैलेट में से कह सकती हूँ. सारे कलर्स अवेलेबल है इसमें, चाहे वो ग्लिटर हो, शिमर हो, मैट हो. सो ये वो हेटेड विथ लव का पैलेट है गाइस. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड ये ब्रश का भी डिटेल वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर. एंड यहाँ पे मैं फ्लफी ब्रश से एकदम इनर कॉर्नर के पास, सॉरी आउटर वी के पास मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ. इनर तरफ, इनर कॉर्नर तरफ हल्का हल्का सा प्लेस करते जा रही हूँ. एंड जब भी आप अप्लाई करते हो ना बहुत लिटिल लिटिल आप अप्लाई करो गाइज, बहुत ही आराम से हल्के हाथों से अप्लाई करना. एंड उसके बाद आप जब प्लेस करोगे ना तो आप भी बहुत अच्छे से लगा पाओगे. देख आप देख सकते हो मेरे आईज़ के नीचे मैंने थोड़ा थोड़ा फॉल भी हो रहा है, इसलिए हम अभी यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं कर रहे. पहले आईज़ मेकअप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे. आप कोई भी वेडिंग अटेंड कर रहे हो ना गाइज तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हो, ब्राउन ब्लैक अपने ड्रेस के लिए, चाहे आप वो सूट पहन रहे हो, गाउन पहन रहे हो या फिर अपना साड़ी पहन रहे हो तो आप इसे कैरी आउट कर सकते हो. सो इस तरीका से आप धीरे धीरे करके ब्लेंड करते जाओ. एंड अभी मैं अलग से भी ना सारे मेकअप का ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ. लाइक आई शेडो लगाने का ट्यूटोरियल अलग रहेगा, बेस मेकअप का ट्यूटोरियल अलग रहेगा, कॉन्टोरिंग का ट्यूटोरियल अलग रहेगा. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर को भी ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते हो नीचे फॉल डाउन हो जा रहा है, ये मैट वाला है लेकिन हल्का सा मुझे लगता है पाउडरी टच है इस शेडो पैलेट में गाइस. सो इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे. एंड यहाँ पे छोटे वाले फ्लैट ब्रश से मैं यहाँ पे अच्छे से अपने ट्रांजिशन सेट के पास इसे यहाँ पे ब्लेंड कर ले रही हूँ. एंड इससे मैं अच्छे से दोनों को स्मज कर रही हूँ, आप देख सकते हो. एंड यहाँ पे मैं कंसीलर सेम यूज़ कर रही हूँ पतले वाले ब्रश के हेल्प से, जो एन वाई वाला कंसीलर मैंने यूज़ किया था. एंड इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने आई लीड एरिया के पास क्योंकि हम अगर पार्टी के लिए मेकअप कर रहे गाइस तो थोड़ा सा डार्क और इन्हेंस मेकअप अच्छा लगता है. एंड नाइट मेकअप अलग होता है, डे मेकअप अलग होता है गाइस. इसलिए नाइट में आप थोड़ा सा डार्क मेकअप कर सकते हो. सो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से अप्लाई किया एंड इसे मैं थोड़ा सा अपने फिंगर के हेल्प से मिला ले रही हूँ अपने अच्छे से टैपिंग टैपिंग करके. एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेना गाइस, ये अगर ये ब्लेंड नहीं है ना अच्छा से तो आप ब्लेंड कर लेना. इस तरह से मैं ये वाले ब्रश से ना थोड़ा और अच्छे से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ. थोड़ा सा टाइम दो बट मेकअप फ्लॉरेस करो. सो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ की थी वो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था, मैं ध्यान नहीं दी थी कैमरा ऑन नहीं था गाइस. एंड यहाँ पे मैं येलो कलर को प्लेस कर रही हूँ अपने फ्लैट ब्रश के हेल्प से अगेन, आप देख सकते हो. एंड ये सब ब्रशेज ना काफ़ी अफोर्डेबल था गाइस, 250 के अंदर आपको ब्रशेज मिल जाएंगे. उसका सेट भी यहाँ मेरे चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना अगर आप बिगनर हो तो. एंड इस तरीका से मैं अप्लाई कर रही हूँ, सारे जगह को अच्छे से कवर करना गाइस क्योंकि ऊपर वाला एरिया में अगर कंसीलर लगाओ और कलर प्लेस नहीं होगा ना तो वाइट वाइट लगेगा. इसलिए कलर को प्लेस अच्छे से कर लो, बहुत ही कम टाइम में आप कर लोगे. मुझे यहाँ समझा के बताना था, बनाना था, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया गाइस. आप आराम से इसे 7 से 8 मिनट के अंदर कर लोगे. एंड यहाँ पे वो भी पूरा फुल फेस मेकअप गाइस विथ हेयर स्टाइल, 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे. एंड बिगनर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो आपको अच्छे से कर पाओगे. एंड यहाँ पे रेड कलर को लेके मैं थोड़ा सा और ना यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ पे हमारा बॉर्डर लाइन बन गया गाइस, क्योंकि बॉर्डर लाइन के पास जब भी है ना वहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग करना ताकि वो ऐसा ना लगे कि दोनों कलर प्लेस किया हुआ है. एंड यहाँ पे मैं शिमर कलर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का गाइस. एंड पतले वाले ब्रश से मैं यहाँ पे शिमर कलर को ऑल ओवर अपने आईलिड एरिया पे लगा रही हूँ. यहाँ पे मैं लैक्टोक्लेमाइन का ना फेस क्लीनअप के लिए वाइप्स है गाइज, एलोवेरा वाला. इसे मैं जो भी फॉल डाउन्स हो गए थे ना सारे को मैंने हटा दिया. इसका भी रिव्यू मेरे
मैंने किया था गाइस शॉर्ट वीडियो में, आप चेकआउट कर लेना इफ़ यू वांट। एंड यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। एंड आईब्रो भी ना, अगर डार्क मेकअप कर रहे हो तो थोड़ा सा आईब्रो डार्क रखना, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप अप्लाई अपने आईब्रो को फिल कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप आईब्रो पेंसिल से ही करो, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप उसे रिमूव करके अच्छे से फिर से कर सकते हो। क्योंकि आप बिगनर रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता, मुझसे भी होता था गाइस, अब मैं मतलब अच्छे से करने लगी हूँ। मैं करने लगी हूँ कि नहीं आप लोग बताना। यहाँ पर मैं ग्लो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, अगेन NYB का है ये, ब्राइटनिंग आप कह सकते हो एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी करता है आपके स्किन को। यहाँ पर मैं कोई भी फाउंडेशन आज अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं BB क्रीम यूज़ कर रही हूँ, सॉरी CC क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी CC क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ओरिफ्लेम का यूज़ कर रही हूँ एंड इसका लिंक नहीं दे सकती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने ये ऑफ कैमरा लिया था। एंड बाकी जो भी प्रोडक्ट है सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात अभी आपके लिए, यहाँ पे पर्पल का अभी गाइस ऑफर स्टार्ट हुआ है 20 से 25 के लिए, दिवाली ऑफर। सो जाओ चेकआउट करो, पर्पल पे बहुत अच्छा सेल रहता है गाइस। मैं अधिकतर सामान अपना जो भी है मेकअप का मैं पर्पल और नायका से ही लेती हूँ। एंड जो कुछ है आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, सारा प्रोडक्ट देख लेना। एंड उसके बाद में आपको फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अवेयर कर देती हूँ उस चीज़ से। इफ़ यू आर मेकअप लवर यू कैन जस्ट गो देयर। एंड यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने अपने CC क्रीम को मिक्स कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, आप भी करो अच्छे से। एंड ब्लेंडिंग हमेशा अपवर्ड वे में करना। एंड यहाँ पे मैं ओलिविया का पैनकेक यूज़ कर रही हूँ, ये पर्ल सेड है गाइस एंड वाइट कलर का है। इससे आपका जो स्किन है ना गाइस पार्टी के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। एंड बहुत ही ग्लो क्रीम है गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल, 200 के अंदर आपको ओलिविया क्रीम मिल जाएगा। बट ओलिविया क्रीम की एक खासियत है आपकी जो स्किन है ना उसमें ग्लो ऐड कर देता है गाइस एंड वाइटनिंग ग्लो देता है, सिर्फ ग्लो ही नहीं वाइटनिंग ग्लो देता है। सो इस तरह से मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया गाइस, क्योंकि आपका फेस पूरा वाइट हो जाएगा और नेक एरिया को अगर आपने अवॉइड कर दिया ना इट विल लुक सो बैड, इसलिए अपने नेक एरिया को हमेशा अच्छे से कवर कर लेना गाइस। हाँ गाइस, मैं आपको बताने वाली थी कि मेरी फेस, आप मेरे पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, क्योंकि बीच में मैंने स्किन केयर अपना खुद ही नहीं कर पा रही थी कुछ मेरे अपने प्रॉब्लम की वजह से। सो मैंने फिर से स्किन केयर शुरू किया एंड वो वाला स्किन केयर मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उससे मेरी स्किन में जो भी टैनिंग थी ना वो हट गई एंड मेरा स्किन लगभग गाइस पूरा एक जैसा कॉम्प्लेक्शन हो गया है। थोड़ा बहुत है जो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। आपके फेस को ना गाइस बहुत अच्छा शेपअप कर देता है। एंड ब्रश से मैं सारी जगह कॉन्ट्रिंग कर ली हूँ, अब यहाँ छोटे वाले ब्रश से मैं अपने नोज़ को काउंटरिंग कर रही हूँ गाइस। एंड जब भी आप अपने फेस वाले एरिया को काउंटरिंग करते हो ना, जहाँ पे आपका हड्डी बना हुआ है ना गाइस फेस का चिक बोन, उसके नीचे से करना। एंड आपका अगर फेस थोड़ा सा ही मोटा है ना तो वो काफ़ी अच्छा शेपअप हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने अपने नोज़ को भी अच्छे से शेपअप कर लिया एंड सबको अब ब्लेंड करने का टाइम आ गया है गाइस। सो आप देख सकते हैं अभी तो मैं भूतनी लग रही हूँ पूरा। सो यहाँ पर मैं इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट मुझे शेपअप काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम मेकअप कर रहे हैं गाइस तो पूरी तरह से अगर नहीं किया तो क्या किया है कि नहीं। सो कमेंट ऑन करके आप लोग तो बताते हो नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो गाइस, आप लोग कमेंट करो चाहे ना करो। सो इस तरह से मैंने इसे और अपने नोज़ एरिया को ना, अगर आप मेरे पुराने वीडियो कोई वीडियो देखते हो तो आप जानते हो मैं अपने हाथों से ही करना पसंद करती हूँ। एंड यहाँ पे पूरा जगह जहाँ जहाँ मैंने काउंटरिंग नहीं किया सब जगह मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया है। कोई पाउडर आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट में फेस पाउडर अप्लाई करना। एंड ठंडा के लिए अब जब अप्लाई कर रहे हो ना तो ज़्यादा पाउडर यूज़ मत करना। सो यहाँ पे मैं ब्लश अपने पैलेट से यूज़ कर रही हूँ, हुडा ब्यूटी का पैलेट है, उसे रेड कलर को मैंने पिक किया एंड बहुत ही लाइट यूज़ कर रही हूँ गाइस, आप देख सकते हो। सो इस तरीका से मेरा काम हो गया एंड आप देख सकते हो फेस पे कितना शाइनी ग्लो आ गया बिना कुछ लगाई, ओलिविया का कमाल है गाइस। एंड यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ गाइस, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। एंड इस तरह से मैं अपने फैन ब्रश के हेल्प से अपने चिक बोन के पास, ब्रिज ऑफ द नोज़, माय क्यूबिड बो, सब जगह मैंने अप्लाई कर दिया है। एंड यहाँ पे नीचे में मैं कोई काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे मैं ब्लैक शैडो से ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपने वाटर लाइन के पास आप देख सकते हो स्मच कर दे रही हूँ, थोड़ा सा अपने ऊपर शैडो के पास इसे मिला दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी आईलाइनर अपने पसंद का यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपने यहाँ पे अपना आई शैडो क्रिएट है ना वहाँ पर आप पहले विंग बना लो गाइज एंड उसके बाद इसे अच्छे तरीका से पूरा ज्वाइंट कर दो आगे तक। मुझे आगे में गाइज यहाँ पे मैग्नेटिक आई लैशेस लगाना था, इसलिए मैं बाद में गाइज यहाँ पे मैग्नेटिक आई लाइनर भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड यहाँ पे अच्छे से आपने जब आई लाइनर लगाते हो ना फिल अच्छे से करना गाइज, क्योंकि आई लाइनर का जो कमाल है ना आपके आई शेडो को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। सो अपने इनर कॉर्नर और साइड एरिया को ना अच्छे से फिलअप कर लेना। सो यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर को भी अपना थोड़ा सा इन्हांस कर ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं निकाल नहीं रही हूँ कॉर्नर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉर्नर निकाल।
नहीं था, यहाँ पे मैं लिप कलर को अपने मैट वाले कलर से ही यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ एंड ऑफ कैमरा पूरा फिल कर लूँगी गाइज। यहाँ पे मैंने वाइट काजल यूज़ किया, मस्करा लॉरियल का है गाइज, पैराडाइज मस्करा। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, सो पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी पार्टी दो मुझे। सो आप इस तरह से तैयार हो। आई होप गाइज आप लोग को मेकअप वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस माई नोटिफिकेशन। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और FB पे फॉलो कर सकते हैं, वो दोनों आपको मेरे स्क्रीन पे मेंशन मिल जाएगा। एंड बहुत सारे DIYs एंड मेकअप वीडियोज़ भी मैं लाने वाली हूँ, बहुत सारी शॉपिंग गाइड्स की मैं टिप्स भी देते रहती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व कर दूँगी। पहले भी दो वीडियोज़ मैंने बनाया था फ्री साइज और सेमी स्टीज अनस्टीज में बहुत सारे कन्फ्यूजन लहंगे को लेकर, सो वो सारे वीडियोज़ यहाँ पे पॉपअप कर रहे होंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।